नीमच जिला 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते मनासा में 2 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। इसी दौरान पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता से अपना कार्य करते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के बावजूद भी कुछ लोग आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी व नायब तहसीलदार लक्ष्मी धुर्वे ने खुद डंडा उठाकर गली गली में जाकर लोगों को समझाइश देकर घर में रहने की हिदायत भी दी है। जो भी व्यक्ति बिना फालतू के रोड पर घूमता नजर आएगा तो डंडे से डरा कर या धमका कर घर में भगाया जाएगा। पुलिस बड़ी गाड़ियों से हर सक्रिय गलियों में नहीं जा सकती थी, जिसके चलते सभी पुलिस के जवानों ने गाड़ियों में जाने के लिए बाइक का तरीका भी अपनाया है। बड़ी गाड़ियों के हॉर्न सुनकर लोग घरों में तो चले जाते हैं, पर वहीं पुलिस के जाते ही वापस घर के बाहर आकर बैठ भी जाते हैं। इस बार मनासा पुलिस ने अलग ही तरीके से बाइक से गश्त लगाकर अचानक सक्रिय गलियों में घुसकर जहां लोग बिना फालतू के भीड़ इकट्ठी करते हैं व बिना काम से गाड़ी से घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त कर थाने में खड़ी करवा दी गई है। वहीं समझाइश देकर लोगों को घरों में रहने की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए आज नीमच जिले में जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अत्यावश्यक सेवा के अलावा बाहर निकलने की छूट नहीं है। इसको लेकर के हमारे द्वारा प्रातः नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें SDOP महोदय, SDM साहब, नायब तहसीलदार सभी थे, और हमारे द्वारा मेन रोड पर फ्लैग मार्च निकाल करके हमें इसी सूचना मिली कि कुछ लोग गलियों में घूमते रहते हैं, वहाँ पर भी हमने नियंत्रण स्थापित करने के लिए बाइक स्क्वाड से गलियों में राउंड लिए। मैं खुद उसमें लीड कर रहा था, जिसमें हमारी NCC, हमारी रक्षा समिति सभी को साथ में लेकर के हमारे द्वारा सभी गलियों में जो भ्रमण किया गया वहाँ पर गश्त की गई, और जो भी बाहर व्यक्ति थे उन सबको सख्ती के साथ चेताया और सभी को कहा कि ये जो भी किया जा रहा है उनकी जान की रक्षा के लिए किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, उनके बच्चों के लिए किया जा रहा है, उनके परिवार के लिए किया जा रहा है, नगर के लिए किया जा रहा है। इस समय इस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना ही एक रास्ता है, जिसका कि हमें पालन करना होगा। सभी नागरिकों से हमने अपेक्षा की है, सभी से निवेदन किया है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने परिवार को, स्वयं को, समाज को, नगर को सुरक्षित बचाने में अपना योगदान दें। हमने ये भी कहा कि इस समय लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना ही एक राष्ट्रभक्ति है। आप एक अच्छे राष्ट्रभक्त, एक अच्छे नागरिक होना अपने आप को प्रमाणित करें और एक मैसेज दें कि हम जो है लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इसका लगातार हम पूरा प्रशासन इसके लिए प्रयासरत है, सभी को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और हमें अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है। हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि आज और कल जो लॉकडाउन है, पूर्ण लॉकडाउन है, यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, प्रकरण दर्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और उनको यहाँ तक की जरूरत पड़े तो जेल भी भेजेंगे। इसलिए पुनः आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन का पालन कर एक अच्छा नागरिक होने का परिचय दें। नीमच जिले के मनासा से बज्जीलाल गुज्जर की रिपोर्ट।